हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिड रेंजेस के ऊपर फिर से। इस वीडियो में मैं आपके पास लाया हूँ 150 वॉट आरएमएस की मिड रेंज, जो कि चार्ल्स कार ऑडियो की है, 4 ओम केपेबल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी इनकी 70 वॉट आरएमएस वाली मिड रेंज, तो अब ये है हमारी 150 वॉट आरएमएस की मिड रेंज। आप देख सकते हैं इसका मैग्नेट उनसे कितना बड़ा है, एंड सेम ये ब्लैक बास्केट में है फिलहाल के लिए। इसी में ही हमारे पास ऑरेंज बास्केट भी आ जाती है कभी कभी। इसकी अगर बात करें बिल्ड की, बिल्ड इसकी अच्छी लगी मेरे को। प्लस जो पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा था कि मैग्नेट के ऊपर डायरेक्ट वो मैग्नेट ही शो हो रहा था, बल्कि इस बार इन्होंने क्या करा है, इस बार इन्होंने मैग्नेट के ऊपर एक टेप सी लगा रखी है जिससे मैग्नेट एक्सपोज ना हो। एंड पीछे की तरफ जैसे पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो प्लेट थी, बॉटम प्लेट, तो बॉटम प्लेट खाली नॉर्मल जैसी लग रही थी वैसी थी, बट इस बार ही उन्होंने स्टिकर दिया है। ये चीज़ रियली अच्छी लगी मेरे को कि ये इनको की इम्प्रूवमेंट्स हैं। एंड फ्रंट से आगे CA का लोगो आ गया इनका जो ब्रांड है। अगर हम इसको प्योर 150 वॉट आरएमएस ब्रिज करके देंगे, या कोई किसी के पास एम्पलीफायर हो जो 100 वॉट आरएमएस या 150 वॉट आरएमएस देता हो, उसके लिए हाईली रिकमेंडेबल है। एंड इनकी आउटपुट अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा लाउड जाती है मिड रेंज, बहुत ज़्यादा 150, ये इवन हम 150 से कम पे भी चला सकते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी में इसको चलाया था कुछ अराउंड 70 वॉट आरएमएस, अभी मैं इनको क्लीन पावर दे रहा हूँ, उसमें भी ये बहुत अच्छे से बज रही है। बाकी हमने राहुल भैया की गाड़ी में इनको इंस्टॉल करा था, रेड आर एंटरटेनमेंट जिनका चैनल है, वहीं से ही आपको इसका आउटपुट भी दिख जाएगा कि कैसा था। एंड इवन मैं यहाँ पे भी क्लिप्स डाल दूंगा इसके आउटपुट की। इनकी उनकी गाड़ी में हमने इनको ब्रिज करके चलाया था SNB के मोनो एम्पलीफायर के ऊपर। इसकी अगर हम वेट की बात करें ये 2 से 2.5 किलो की बहुत आराम से हैं मिड रेंजेस। एंड इनका साइज़ जो है, हमारा साइज़ है इनका 6.5 इंचेस का। मिड रेंजेस का हमारा मेन काम हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लाउडनेस की कमी या वोकली कमी हो रही होती है। मिड रेंज के साथ एक ये होता है कि आपको सुपर ट्वीटर या बुलेट ट्वीटर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, या इवन TS-20 भी अच्छे से काम कर जाते हैं इनके साथ, क्योंकि ये जो मिड रेंजेस होती है ये मेनली वैसी आवाज़, वोकल वॉइस ऐसी चीज़ें देने के लिए होती है। हाईज मिड रेंज नहीं दे पाती एंड बेस भी अच्छे से नहीं निकाल पाती। अब देखते हैं एक बार इसका आउटपुट एंड फिर करते हैं आगे इसकी प्राइसिंग की बात। चलता फिरता डीजे, अभी तो 2 लगे हुए हैं दोस्तों, 4 लगेंगे तो और
एनहेंस हो जाएगा, बढ़िया बजेगा। लेकिन मिड रेंज वहीं काम आती है दोस्तों जहाँ पे आपका सबवूफर भी आपका साथ दे। आई होप आपको इनका आउटपुट अच्छा लगा हो, अच्छा लगे एंड आप अगर इनको ऑर्डर करना चाहते हैं इस मिड रेंज को, ऐसे कम पावर वाली मिड रेंज को, सो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा एंड स्क्रीन पे भी मैं नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ये चीज़ बाय कर सकते हैं। एंड इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अराउंड हमारा 3000 to 3500 के आसपास रहेगा। इसकी मैग्नेट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 120 mm की इसमें मैग्नेट यूज़ करी गई है। एंड अगर हम इसको इसकी कोन को देखें तो ये यहाँ पे हमें पेपर कोन देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे हमें टर्मिनल्स नॉर्मल मिलते हैं जिसको आप शोल्डर या वायर से फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसका अगर वॉइस कॉइल की बात करें तो इसमें 1.5 inch की वॉइस कॉइल लगी हुई है, 1.5 inches। एंड इसकी बिल्ड वगैरह भी अच्छी हो रखी है, लाइक इसको अगर हम हाथ में भी उठाते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ हैवी चीज़ हमने पकड़ रखी है या हम यूज़ कर रहे हैं अपनी कार्स में। ये चीज़ आपको फील होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड चले जाते हैं, ये आपने उसमें देख ही लिया होगा वीडियो में जो डेमो वाली वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। एंड अभी इनकी और ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं सो उनका भी धीरे धीरे करके रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, लाइक सब वूफर्स एंड बेस ट्यूब्स विद इनबिल्ट एम्पलीफायर्स। सो और चीज़ें जानने के लिए सब प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।